क्या सभी बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चों? हाँ है ना? सर ओके, तो अगेन सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग, सर एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रखे होंगे। अब देखो, अभी आपका दो टेस्ट हो चुके ना, अभी आपका दो टेस्ट हो चुका और मैंने कोई चीज नोटिस किया है ना। देखो ये आपका पहला टेस्ट है, मैं जानता हूँ कुछ बच्चों से गलती हो सकती है, अन चीज थोड़ा सा लाइट हो सकता है, लेकिन स्टिल आप वो चीज को समझो। अब सपोज करो, मैं ये बोल रहा हूँ, मान के चलो आपका केमिस्ट्री में 15, मान के चलो आपका केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, राइट? 15 क्वेश्चन दिख रहे हैं। मैंने बच्चों को ये भी देखा कि हर बच्चे ना, मतलब कि 25 क्वेश्चन राइट हो रहा है तो 22 क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो ये मत करो यार, ये आप अभी से करना बंद करो। आप अपना जो मिस्टेक है ना, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, सपोज करो अगर एक रॉन्ग होगा तो -1 होगा, राइट? तो कितना माइनस मार्क झेल सकते हो? तो मैं ये बोलूंगा आप झेल सकते हो बच्चों 7 to 8 क्वेश्चन झेल सकते हो, मैक्स टू मैक्स। अब सपोज करो, या सपोज करो कि आपने 20 क्वेश्चन किया है ना, 20 क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया, ठीक है, 15 राइट हुआ, तो 15 फोर कितना होता है बच्चों? 60 मार्क्स है ना, और 5 माइनस हो गया तो -5 कर दो, ये आ गया 55। तो फाइव ये सही है, ये चल जाएगा। अगर आप इतना मार्क्स भी लेकर तो भी चले, कोई इशू नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा कहने मतलब ये है कि आप अभी नेगेटिव मार्किंग करो, और मैं देख रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मत करो ऐसा। अभी आप ये सीखो, अभी आपको ये सीखना है कि मुझे नेगेटिव मार्किंग कम करना है, यही है, इसलिए हम आपका टेस्ट को ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब दो सिंपल सी बात है, ये बात भी होगा, हमने टॉपिक पढ़ लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे भी और बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं आएगा भी, लेकिन सिंपल सी बात यह है, आपको ये देखो। अच्छा ये मुझे बताओ, अगर मुझे एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं आपको ये बोलूंगा, आपको मार्किंग कम करनी पड़ेगी। देखो नेगेटिव तो ठीक है, मान के जो पेपर हार्ड गया तब क्या हो गए, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर पेपर हार्ड आ रहा है तो सबके लिए पेपर हार्ड आ रहा है, आप अकेले के लिए हार्ड नहीं आ रहा। तो उस टाइम करना क्या है, जो आपका इजी क्वेश्चन है ना, जो आपके इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन राइट करो। अब देखो, जब हम ये सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं, अब देखो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल्स वाटर। अब यहाँ पे मोल आ गया, तो मैंने आपको क्या बोलता, जब भी आपको मोल के बारे में आएगा तो मैंने आपको ये बोल था कि आपका 1 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर कितने ग्राम आएगा बच्चों? आपका मॉलिक्यूल का जितना एटॉम मास होगा, आपके मॉलिक्यूल का जितना उसका एटॉमिक वेट होगा उतना ग्राम होगा। जैसे मैं बात करता हूँ वाटर की बात करता हूँ, तो वाटर कैसा ऐसा है ना, यहाँ पे 2 वाटर और यहाँ पे 16, तो कितना आ गया? 18 ग्राम पर मोल आ गया, इसका इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। तो मैं बोलूंगा कि 1 मोल में कितना ग्राम आएगा बच्चों? आप बोलोगे 1 मोल में 18 ग्राम आएगा, ऑब्वियसली है ना। आप बोलोगे 1 मोल वाटर के अंदर 18 ग्राम वाटर आएगा, राइट? हाँ है ना? ओके सिंपल से, सर हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं ना ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल में, रिडूइंग सिमरन, 1 मोल में जो भी कंपाउंड को उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो उसका उतना उसका ग्राम में होगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, दो सोलह दो फिर दो दो 32, तो तो हो गया 44 ग्राम। तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। तो सिंपल सी बात है, 1 मोल के अंदर आपका 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है? ये पार्ट। दूसरा मैंने क्या बोला कि 1 मोल में कितना एटम्स होते बच्चों? 6.02 × 10²³ मॉलिक्यूल्स एटम से पर प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी आपका मोल क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया बच्चा, आपको इसे कंपेयर करना है। अब देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछा है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कि वाटर में कितना ग्राम ऑक्सीजन है। अब देखो, अब 1 मोल में कितना वाटर है बच्चा? 1 मोल में 18 ग्राम वाटर है, तो वाटर तो आपका वाटर फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है H2O।
अब इसमें हाइड्रोजन बचो, हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ये आपका 16 ग्राम है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि आपका 1 मोल में, आपका 1 मोल में 16 ग्राम ऑक्सीजन है। सिंपल सी बात है ना, आपका 1 मोल में आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन है। हाँ या ना बच्चों, यस या नो? यस ओके, सिंपल सी बात है। अब बोला 3.6 मोल कितना होगा, बहुत सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। हेलो, आप मल्टीप्लाई कर दो कि अगर 1 मोल में इतना है तो 3.6 मोल कितना होगा, आप इसको अगर यहाँ पे 36.4 मोल में कितना होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखो कुछ नहीं, इतना खाली किया मैंने वहाँ पे, क्या किया 16 मल्टीप्लाई बाई 3.6, आपका आंसर आ जाएगा 50.6, आपका आंसर देगा। अब बताओ क्या क्वेश्चन हार था? तो देखो ये सब बच्चों, ये आपका इजी क्वेश्चन है, इसको आपको गलती नहीं करना है। अब देखो, अब दूसरे क्वेश्चन का पूछा, देखो हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द दिस मच ग्राम, आपको निकाला नंबर मोल्स, तो नंबर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये होता है कि नहीं होता, बताओ सर। तो कितना ग्राम दिया है, 720 ग्राम, देखो यहाँ पे 720 डिवाइड बाय कितना का मोल मास वाटर कितना होता है, ये होता है 18, 18 आता है, तो कितना आएगा, yes, कितना आएगा, 84, तो ये आएगा 40, तो आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बताओ कितना डालना है बच्चों, ये भी कैसा बच्चों, ये भी आपका इजी, ये भी आपका इजी लेवल, तो ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो सेम दो अगेन, ये क्वेश्चन 18 क्वेश्चन देखो, अब देखो क्या लिखा, देखो बोला अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा वर्डिंग चेंज कर दिया है, क्या बोला देखो, 17.16 ग्राम ऑफ केजो गोल्ड वाज रिकवर्ड फ्रॉम स्मगलर, एक स्मगलर है उसके पास 19.7 केजी गोल्ड है, इतना केजी गोल्ड है, तो बोला है हाउ मेनी आइटम्स ऑफ गोल्ड आर, कितना आपका गोल्ड वहां पर है, कितना आपका गोल्ड है वहां पर, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन। अब देखो हम ही जानते हैं कि आपका वन है ना, आपका 1 मोल है ना, तो 1 मोल में कितना ग्राम आएगा बच्चों, ये आएगा 197 ग्राम गोल्ड आएगा है ना, 1 मोल में इतना ग्राम क्या आएगा बच्चों, आएगा इतना गोल्ड आएगा। अब पूछा इतने केजी में कितना आएगा, अब देखो 1 केजी में दिया है, क्या करो बच्चों इसको ग्राम में कर लो, आप इसको ग्राम कर लो, देखो इतना केजी, इसको क्या इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ है ना, वही होगा ना, तो क्या आंसर आएगा, तो देखो अगर आपका 1 मोल में इतना ग्राम है, अगर आपका 1 मोल इतना ग्राम है तो 1097 इतना में कितना मोल आएगा, आप उसको डिवाइड भी करो कर दो, तो आपका कितना आएगा बच्चा, आप बोलोगे 100 मोल, होगा कि नहीं होगा बच्चों बताओ, यस सर, आपका 1 मोल में 197 ग्राम गोल्ड है, तो इतने ग्राम में कितना मोल हुआ, तो आप बोलोगे 100 मोल हुआ। हम ये जानते हैं कि 1 मोल में आपका 6.02 × 10³³ गोल्ड प्रेजेंट हो, गोल्ड आपका प्रेजेंट होगा 1 मोल के अंदर, तो आपका 100 मोल में कितना होगा, 100 मोल कितना होगा, आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पावर क्या बढ़ जाएगा, तो आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, हाँ या ना? तो देखो तो बच्चा अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने बच्चा सिर्फ ना क्या किया, हमने खाली क्रॉस मल्टीप्लाई किया मोल को ग्राम से किया, ग्राम को मोल, खाली यही कर्म कर रहे हैं, तो ये भी आपका इजी लेवल 5 क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन गलती नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन करना ही आपको, राइट, हाँ या ना? उसका परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इनटू उसका मास,
अब देखो क्या बोला एक्स कितना बच्चों, एक्स आपका है 90%, तो कैसे ऐसे लिखेंगे बच्चों 90/100 × 200। ये क्या बच्चों, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से, ये 200 ग्राम दिखा है। ये क्या बच्चों, उसका मॉलिकुलर मास है, उसका एटॉमिक मास है 90% का। अब देखो प्लस, अब दूसरा मॉलिक्यूल है वो कितना बच्चों, वो खाली, वो कितना, वो खाली 8% है। जो आप 8 है, लिखो आप 8/100 × इसका मास कितना बच्चा 199 प्लस। अब ये कितना बच्चों, ये आपका है 2%, तो यहां लिखो 2/100 × 202 हो गया। ऐसा होगा अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो आंसर बहुत क्लोज है, मतलब कि पॉइंट में आपका डिफरेंस आ रहा है, राइट है ना। तो देखो जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं आपको वहां पे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेटर होगा नहीं। क्या करोगे उसको आप ना प्रॉपरली सिंप्लीफाई करोगे, आप उसको प्रॉपरली सिंप्लीफाई करोगे। कैसे करोगे बच्चों, देखो इसको काटो, कट गया ये वाला पार्ट, राइट। तो क्या यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 90 × 2 प्लस 180। अब यहाँ पे आएगा 8 × 1.99, तो बच्चों मैंने आपके मैंने पे 100 को सॉल्वेड कर दिया, प्लस 2 × 202/100 ये आएगा 2.02। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आप आराम से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा क्या बच्चों, ऑप्शन ए आएगा। समझ में आ रहा बच्चों, तो ये इसका आपका एवरेज आएगा। बताओ ये क्वेश्चन इज ना, ये क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन था, ये आपका एवरेज ऑटोमसल पार्ट है, सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, सिंपल इजी क्वेश्चन। मानते हो नहीं मानते? अब देखो अभी हम करते हैं 20th क्वेश्चन करते हैं, अभी बच्चा में ना 20th क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्वेश्चन खुद करो बच्चा, कम ऑन ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो, क्या आंसर आएगा। अब देखो देखो सिंपल सी बात, आप ये अब देखो आपने बोला ए बोला, तो आपको ये बोला नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है, जिन बच्चों को नहीं है वो प्रैक्टिस करोगे। अब बोला है कौन सा गलत है इसमें से, अब ग्राम ये आप ग्राम में दे दिया है। अब देखो अभी क्या बोल दो देखो लिखा है इट हैज एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपका एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, ये होता है आपका एवोगाड्रो, दैट इज 6.022 × 10^23 होता है, ये आपका एवोगाड्रो नंबर होता है। और एक बात बच्चों, ये आपका होता है वन मोल में, ये आपका वन मोल में होता है। अब देखो अब यहाँ बोला कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका मास है 12, इसका मास है 16, राइट, ऑक्सीजन 16 होता है, तो कितना आएगा बच्चों, तो इसका आ जाएगा 28। अब देखो अगर आप 14 को डिवाइड 20 से डिवाइड करोगे, अगर आप यहाँ पे इसका मोल तो ये तो आपका नहीं आंसर आएगा, ये आपका 1 जा, ये आपका 2 जा, तो ये आपका 0.5 आएगा, तो ये ऑप्शन तो क्या बोलो, ये ऑप्शन नहीं आएगा। यस सर। अब देखो बी ऑप्शन चेक करो क्या लिखा है। यस सर, ठीक है सर, ये सही है। हाँ यस सर, ऑप्शन डी वाला भी सही है। यस सर, यस सर। अब देखो इट करस्पोंड टू सेम नंबर्स ऑफ n2 में जितना, yes, ये भी आपका सेम है, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन ए मेरा गलत है। तो बताओ सिंपल सी बात, मैं आपको ये कहूंगा ओके सर कि आपको ना बच्चा समस्या भी करना है, और ये कैसा बच्चों, ये भी कैसा, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। तो अब पहले जो 5 क्वेश्चन बच्चों, इसको आपको गलत होना नहीं चाहिए। अब कितना मार्क्स आ गया, 5/20, मांग के चलो आपका 20 मार्क्स आ गया, मांग के चलो आपको ना ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ दो ना इसको, मत करो आप इसको मत करो, क्या जरूरत है, मत करो। लेकिन ये क्वेश्चन भी इजी है, ये क्वेश्चन भी इजी है आपको, yes, दो आपको क्या ये दिख रहा है, ये आपको कंपाउंड दिया, हाउ मेनी बेस विल कंटेन दिस मच मोल्स ऑफ एटम, अब ये बोला गया, ये कितना मोल के बराबर होगा, तो कैसे करेंगे बच्चा, कैसे करेंगे बताओ जरा, ये भी कैसे बच्चों, ये भी इसमें बना बच्चों, हम
नंबर यहाँ पे बच्चों हम नंबर मोस्ट ऑफ हम यहाँ पे बच्चों नंबर मोस्ट ऑफ यूज करेंगे, अगर वो करो तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ये भी बच्चा आपका खाली ये खाली आपका मोल, ये भी बच्चा आपका मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इतना हार्ड ही नहीं है, आराम से आ जाएगा। आएगा करो बताओ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अब देखो आपको बोला, आपको बोला गया ऑक्सीजन एटम, तो जो आपका ऑक्सीजन एटम बचो उसे फोकस करो। अब मुझे बताओ कि ये पूरा, ये जो पूरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आपका कितना ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन एटम है? एट है ना। अब देखो जब हम बात करते हैं Ca3PO4 होल ट्वाइस, तो फोटो yes. कितना, फोटो कितना, एट है। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि आपका वन मोल में, आपका वन मोल में कितना एटम्स, आपका एट ऑक्सीजन एटम है, एट ऑक्सीजन एटम है ना, आपका एक मोल में आपका वन आपका ऑक्सीजन एटम है, राइट? यस सर। तो आपका 0.24 मोल कितना होगा? अब देखो एक मोल में आठ है, हाँ, तो आपका 0.24 में कितना आएगा, कितना आएगा, अब मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, अब देखो सिंपल, आप मैं देखो वापस, आप देखो वापस देखो, आपका वन मोल में आपका एट एटम्स है, आपका वन मोल में एट एटम्स है, तो आपका 0.24 मोल में कितना एटम होगा, खाली मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया, आया? यस सर। अब बताओ क्या हार्ड, अब बताओ क्या हार्ड है ये? नो सर। पक्का हमने सही किया? Yeah. क्या हमने सही किया? हाँ या ना? हाँ सर। हमें मल्टीप्लाई ना डिवाइड करना है, बताओ जरा। डिवाइड सर, डिवाइड करना, डिवाइड क्यों करना है बताओ जरा, टू डिवाइड करना है मुझे बताओ, टू डिवाइड करना है बताओ, टू डिवाइड करना है बताओ। अभी मैंने देखो, मैंने यहाँ देखो क्या लिखा, मैंने बोला कि आपका देखो, मैं बोल सकता हूँ कि आपका वन मोल सी ए थ्री पी ओ फोर होल ट्वाइस में आपका कितना है, आपका वहाँ पे एट, क्या बच्चों आपका एट एटम्स है ना, आपका एट एटम्स मोलिक्यूल्स, राइट, एट एटम मोलिक्यूल है। तो आपका अब बोला क्या है कि इतने में कितना होगा, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, देखो अब हम ऐसे बोल सकते हैं ना, हम ऐसे बोल सकते हैं कि वन मोल में कितना होगा, आप क्या बोलोगे, आपका एट मोल आएगा, ये आप समझ लो कि आपका वन मोल सीतने में आपका एट मोल आपका ऑक्सीजन है, तो आपका यहाँ पे 0.25 मोल में कितना आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, दैट इज 0.24 इंटू इससे मल्टीप्लाई किया इससे डेड वेट। अब करना देखो आपको, देखो आपको है ना ऑक्सीजन करना है। अब यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन था, तो जहाँ पे ऑक्सीजन बच्चों आपको उसके साथ कंप करना है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, पक्का समझ में आ रहा है कि, देखो पक्का समझ में आ रहा है अच्छे से सर, इसे समझाना देखो आप ये देखो, अभी क्वेश्चन देखो क्या पूछो, करिश्मा क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, क्वेश्चन लो क्या लिखा है, how many moles of Ca3PO4 whole 2 will contain 0.24, अभी बोलो, अभी क्या बोला, बोलो how many moles of this, तो किसका पूछा बच्चों, आपका ये क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन मार्क कौन सा बच्चों, जो से इसका क्वेश्चन मार्क है। अब देखो हम ये बोल सकते हैं ना, हम ये बोल सकते हैं कि आपका वन मोल Ca3PO4 में कितना एटम बच्चों, एट आपका ऑक्सीजन एटम है, तो मैं बोलूंगा कि एट आपका एट मोल ऑक्सीजन एटम है, मैं क्या बोलूंगा, एट मोल आपका ऑक्सीजन है, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड में आपका एट है। तो बोला देखो, बोला यह गया कि आपका 0.24 में मोल ऑक्सीजन एटम है, 0.24 ऑक्सीजन एटम कितना आएगा, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 0.24 मोल लिखता हूँ, तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे ये तो निकालना ना, अगर आपका वन मोल इतना है तो 0.24 में कितना आएगा, आप बोलोगे 1 × 0.24 डिवाइड बाई 8, आप समझ में आया, आपको आपको ना ऑक्सीजन, आपको वहां पे ऑक्सीजन कम करना है, आपको वहां पे बच्चा
ऑक्सीजन कम पे करना है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस yes. आपको ये निकाल, आपको बच्चा आपको क्वेश्चन ये पूछा गया, आपको ये पूछा गया, ये आपको निकालना है। तो ये भी कैसा बच्चों, ये कैसा, ये भी आपका, ये मैं बोलूंगा ये आपका मीडियम, ये आपका मीडियम लेवल क्वेश्चन बच्चों। क्यों? बिकॉज यहाँ पे थोड़ा आपका माइंड ट्रिक यूज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा, मैं इससे बोलूंगा ट्रिक, इससे बोलूंगा, मैं बोलूंगा ट्रिक क्वेश्चन कहूँ, क्यों बच्चा ये सिंपल तो है लेकिन मैं आपको बोलूंगा तो दिमाग में ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ये इजी है लेकिन आपका ट्रिक, ये थोड़ा सा ट्रिक खोजना आ रहा है, राइट? हाँ ओके सर। 0.6 एकदम सही। तो आंसर कौन सा ऑप्शन आप बोलोगे? ऑप्शन बी आएगा राइट आंसर इसका। बी यस सर। अब देखो, अभी अब देखो, 20 देखो, अब बोला है फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला, अब बोला है फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखो, What is the empirical formula of gallium oxide if this much gram is oxidizing this much atom? अब क्या है बच्चों? अब बोला क्या है कि आपका मेटल ऑक्साइड है, और कौन सा मेटल बताओ? आपका वेनेडियम ऑक्साइड है, मतलब वहां पे आपका मेटल होगा और वहां पे ऑक्सीजन होगा, राइट? है ना? तो मतलब क्या बच्चों होगा, आपका वहां पे वेनेडियम आएगा और वहां पे आपका ऑक्सीजन आएगा। अब देखो क्या लिखा, देखो लिखा, देखो मेटल ऑक्साइड कंटेन 1.3 ग्राम ऑफ मेटल। अब ये क्या दिया बच्चों? ये बोला 1.3 ग्राम, क्या बच्चों? ये आपका मेटल है, 1.3 ग्राम क्या बच्चा आपका? ये आपका मेटल है। किसमें से बच्चों? इतने में से आपका मेटल है। अगर आप पूरा देखो, अगर आप पूरा आपका जो पूरा मेटल ऑक्साइड है, अगर उसका मास है 2.74 उसका मास है पूरा, और मेटल का मास है उसका 1.53, तो आपका ऑक्सीजन का मास कितना है बच्चों? आप इसको माइनस कर दो, आप इसको वहां पे माइनस कर दो, तो कितना आएगा माइनस करने बच्चों? अगर आप इसको माइनस करोगे आपका आंसर आएगा 1.21 ग्राम, राइट? होगा, होगी नहीं होगा? यस। अब आप अभी आप इन दोनों मल्टीप्लाई करो, अभी आप 200 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करो, आपका ये आंसर आ जाएगा। आप है ना, इन दोनों ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? राइट? यस। अब देखो, जब हम एम्पिरिकल फॉर्म निकालते थे, हम वहां पे क्या देते थे बच्चों? हम वहां पे क्या देते थे? हम वहां पे देते थे परसेंटेज, है ना? जो आपका लिखा हो, परसेंट लिखा होगा, हम वो करते थे। अब यहाँ पे तो परसेंटेज दिया नहीं है, यहाँ पे तो ग्राम में दे दिया, क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम आपका वेनेडियम का परसेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों? कैसे निकालेंगे परसेंटेज वन? कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे 1.53 गिवन अपॉन टोटल, टोटल मास कितना बच्चों? ये आपका है 2.74 इंटू 100, मतलब कि अब देखो, अगर मैं, अगर मुझे निकालना है दीपक मार्क्स निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा? गिवन मार्क्स अपॉन टोटल इंटू 100। अगर मैं बोलता हूँ कि दीपक का 76% आया है, मतलब क्या बच्चों होगा? उसका 100 में से 76 मार्क्स आया होगा, है ना? तो अगर मुझे वेनेडियम का निकाल परसेंटेज कैसे निकालो बच्चों? गिवन मार्क्स अपॉन टोटल इंटू 100, होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। कितना परसेंट आएगा बताओ, जो कितना वर्णन कितना परसेंट आएगा बताओ, कितना परसेंट आएगा? 1.53 डिवाइड बाय 2.74 इंटू 100 करो, कितना परसेंट आएगा? कितना आएगा परसेंटेज? 0.55। 0.5 पे कैसे आएगा बच्चा? 0.5 तो नहीं आना चाहिए। 5.83 कितना बोला आपने? 550, रुको बताता हूँ, रुको मैं करता हूँ। 1.53 डिवाइड बाय 2.74 इनटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 55.83। यस सर। कितना परसेंट है? मैंने 100 नहीं किया था, मुझे हाँ तो 100 करना पड़ेगा, परसेंट निकालना ना, परसेंट तो आपको 100 करना पड़ेगा। अभी वेनेडियम कितना परसेंट है, तो ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा? 100 से माइनस कर दो, माइनस 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 44.16%। देखो सब में, देखो सब में अभी कैलकुलेटर में कर रहा, सब आप सब में आपके सामने कैलकुलेटर में कर रहा। तो हमें क्या मिला बच्चों? हमें मिल गया, हमें उसका, हमें क्या मिला? हमें उसका मिल गया परसेंटेज, हम परसेंट, हमें हम अभी निकालना है बच्चों, हमें निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखो ये जो आपका 20 क्वेश्चन, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसे बोलूंगा मीडियम क्वेश्चन। मीडियम को क्यों बोलूंगा बच्चों? बिकॉज
इसमें आपका कैलकुलेशन भी है, इसमें आपका कैलकुलेशन भी आ रहा है, और इसमें आपको ना इसमें आपका ट्रिक भी यूज करना पड़ रहा है, दिमाग भी लगाना पड़ रहा है, दोनों चीज करना पड़ रहा है। यहाँ पे दो चीज करना पड़े, इजी है ये आपका इजी लेवल का है, लेकिन आपका टाइम भी लग रहा है और कैलकुलेशन भी करना पड़ रहा है। अब देखो क्या करेंगे, अब जो पर्सन उसको ग्राम करेंगे, उसको ग्राम करेंगे, इतना ग्राम ये हुआ 44.5, इतना ग्राम ये हुआ। अब इसका ऑटो मास दिया, कितना दिया बच्चों 52। अब इसका निकालो नंबर मोल्स, तो 55.83 डिवाइड बाय 52। इसका कितना मोल होगा, इसका वेनेडियम का मोल आएगा 1.07 मोल आएगा, ऑक्सीजन कितना मोल आएगा बच्चों 44.16 डिवाइड बाय 16 क्यूब का मोल के बेटे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.76। ये क्या है, उसका मोल आया, ये उसका मोल आ गया, मैंने उसको डिवाइड कर दिया। मैंने कहा कि बच्चों जो भी ग्राम है उसको मैंने उसके मास से डिवाइड कर दिया, तो मेरा ये आंसर आया। तो यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, डिवाइड बाय 52 डिवाइड बाय 16, तो मेरा आंसर। अब इन दो छोटा सा छोटा वैल्यू कौन सा बच्चों, 1.06 से डिवाइड करो इसको, 1.06 से डिवाइड करो तो 2.76 डिवाइड बाय 1.07 कितना आंसर आएगा। आप बोलोगे इसका आंसर आएगा 2.5 और इसका आंसर आएगा 1। अब बताओ 1 एंड 2.15 ये क्या आपका होल नंबर है, ये क्या आपका होल नंबर है, नहीं है ना? अब देखो तो आपका देखो यहाँ पे वेनेडियम कितना आया बच्चों, वेनेडियम आया आपका 1 और ऑक्सीजन का आया 2.5, तो ये आपका होल नंबर नहीं है। क्या करूँ बच्चों, क्या करूँ मैं, इस सबको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको आप है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, आप बोलोगे वेनेडियम 2 आएगा, ऑक्सीजन आपका 5 आएगा, तो आप फॉर्मूला क्या बच्चों, फॉर्मूला बन गया आपका V2O5। तो ये आपका सी ऑप्शन आया। तो कहने लग के बच्चों ये आपका मीडियम लेवल क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन करना, ट्रिक भी करना पड़ेगा। अब ऐसे जो क्वेश्चन आप तू कैसा है ना, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, जानबूझकर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपने जानबूझकर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपल सी बात है, मान के चलो आपने मां की करिश्मा की बात कर रहा हूँ, आपके पापा ने क्या बोलते हैं चाइनीज डिश लेके आया, 2 प्लेट चाइनीज डिश लेके आए, अब हुआ क्या कि पापा भाई खा गए और आपने आधा खाया, बचा हुआ आधा है, तो पापा क्या करेंगे, खा जाएंगे फेंक देंगे, क्या नहीं पापा खा जाएंगे, तो वो अपने आप ही हो रहा है ना। हम ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे आपका क्या, आपको क्या ना आपको एक पर्पल आपका होल नंबर मिले, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा नंबर मिले। ये कैसा बच्चों, ये आपका फ्रैक्शन है ना, 2.5 कैसा, ये आपका फ्रैक्शन है, तो आधा बटा हुआ है ना। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा बच्चों, आएगा कि मुझे एक सिंपल होल नंबर मिलेगा, कि 1, 1, 2 आया होल नंबर है, 2.5 मल्टीप्लाई ये भी आपका होल नंबर है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब समझ पड़ा सबको, हाँ चलो 4 से कर लिया, आप मांगे चलो 4 से, लेकिन आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन में आपको V4 दिख रहा है क्या, आपको ऑप्शन में V4 दिख रहा है करिश्मा ऑप्शन में V4 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना V4 नहीं दिख रहा, तो क्या दिख रहा है आपको, आपको 2 दिख रहा है, या तो 2 दिख रहा है या तो 1 दिख रहा है, तो वही आंसर वैसे करोगे ना, आपको ऑप्शन भी दिखना है, ऐसा नहीं आप खुद से करते जाओगे, आप ऑप्शन को देख के एलिमिनेट करो क्या आंसर आना चाहिए इसका, समझियो। तो ऐसे कोई छोड़ देना है, अभी मैं दिख रहा हूं। अब देखो अगर हम 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली टेस्ट में आप भी 10 क्वेश्चन करोगे, तो अगेन बोल रहा हूँ सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो, तुक्का मत मारो, खुद से ट्राई कर। देखो ये पूरा क्वेश्चन हमने ट्राई किया ना, इजी था कि नहीं था? यस सर। अब देखो अभी क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन, अब बाकी क्वेश्चन देखो, अभी ये क्वेश्चन करने के लिए ना आपको यूरिया फॉर्मूला आना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो यूरिया फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे NH2CO NH2, ये उसका फॉर्मूला है। अभी यार बच्चों
आप इसका पूरा कंपाउंड का मोल वेट निकालो, कितना आएगा? नाइट्रोजन होता 14, H2O तो हाइड्रोजन का अगर 2 आएगा, प्लस कार्बन होता, कार्बन होता 12, ऑक्सीजन को होता 16, अगेन नाइट्रोजन है तो ये आएगा 14 और ये हाइड्रोजन आपका 2 आएगा, सबको ऐड करो कितना आंसर आ रहा है? आप बोलोगे आपका आंसर आएगा 28 + 12 + 28 16 16 48 कितना आएगा? 60 आएगा, आएगा 60। चेक करो, बताओ चेक करो फटाफट कबो 14 प्लस यस सर 60 है, 2 प्लस 60 आ गया, 60 आ रहा है राइट। तो इसका इस पूरे कितना मास है बच्चों? इस पूरे मास 60 मास है। अबे निकालना है, निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अबे नाइट्रोजन कहाँ पे आ रहा है? आप बोलो नाइट्रोजन यहाँ पे आ रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे आ रहा है। तो कितना नाइट्रोजन आया बच्चों? 14 + 14। तो आप बोलोगे 14 + 14 कितना आएगा? ये आएगा 28, उसका मास है। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे करोगे 28 / 60 × 100, बिकॉज परसेंट निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो कितना आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा रुको मैं करता हूँ 28 / 60 × 100 कितना आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 46.6। आपका आंसर परसेंट आएगा आपका 46.6 आएगा। अभी ऑप्शन तो ऐसे कर नहीं पाओगे, तो क्या उसको राउंड ऑफ कर लो, क्या लिखो बच्चों? या तो आंसर लिखो 46 लिखो, या तो आप आंसर लिखोगे 47 लिखोगे, या तो आप आंसर लिखो 46, या तो आप आंसर लिखो 47 लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करना पड़ेगा। अब देखो ये, अभी देखो आप देखो 26 क्वेश्चन बोला है, वन मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आपको ये क्वेश्चन पता ही नहीं है तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो इसको छोड़ दो ना, इसको क्यों, इसको छोड़ दो, नहीं करना है इसको, क्यों रिड्यू मत करना अगर पता ही नहीं। अगर अब देखो सिंपल सी बात है, ये आपका आता है एस ब्लॉक में, ये आपका रिएक्शन है। जब पूरा केमिस्ट्री पढ़ लोगे तब आपको ये आना चाहिए। अभी तो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, तो ऑब्वियस ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो ऐसा कोई मत करो ना। क्यों कर रहे हो इसको करके आप, नेगेटिव क्यों कर रहे हो, इसको मत करो। हाँ, जब आपको, जब आपने क्वेश्चन क्वेश्चन में आ गया, आपने छोड़ दिया, मान के आपने छोड़ दिया, तो क्या है बच्चों, जो आप एक क्वेश्चन को लिख दो। अगर मैं के CLO3 का मैंने ऐसा किया थर्मल, मैंने यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन किया, तो क्या बने बच्चों? मैंने बने यहाँ पे केसर बनेगा, प्लस मैंने आप बनेगा 3 मोल ऑक्सीजन, मैंने यहाँ पे 3 मोल मेरा ऑक्सीजन बनेगा। तो ये पता होना चाहिए, अगर आपको पता ही नहीं है तो नहीं कर पाओगे आप, सिंपल सी बात है ना। अगर आपने, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कर ही नहीं पाओगे। अब देखो अभी क्या बोला, अभी यहाँ से जितना ऑक्सीजन आ रहा है, अब देखो लिखे बच्चों द एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम बर्न इन द गैस प्लांट। अभी हमने एल्यूमिनियम को बर्न किया, तो जब मैंने उसको Al को मैंने बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना बच्चों? मेरा बन गया Al2O3, ये मेरा बन गया। तो ये लिखा ना, देखो ये लिखा ना, एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम इज बर्न इन बर्न्ड, कैसे जलेंगे? ऑक्सीजन में जलेंगे। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है, अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। अगर आपने किया होता, ऑब्वियसली आपने चीटिंग किया होगा, सिंपल सी बात है, फ्रेंकली बोलूंगा मैं। देखो कहने का मतलब क्या, देखो सिंपल सी बात है, आपके माइंड में अभी ये नहीं आना चाहिए कि मुझे हर एक क्वेश्चन करना है, आपके माइंड में ये आना चाहिए कि कितना मैं समझ पा रहा हूँ उसको, कितना मैं समझ पा रहा हूँ। यस आपको वहां पे समझना है, ठीक है, आपको वहां पे समझना है कि अप्रोच कैसे करूं। देखो अब देखो ये क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द 4 ग्राम मिथेन। अभी क्या बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी का है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब मिथेन क्या होता है बच्चों? मिथेन ये होता है पार्ट CH4, आपको बनाना, आपको क्या ना, आपको जलाना है इसको। मैंने क्या बोलता, जब भी आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन बन होगा तो क्या बने बच्चों? आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो यहाँ बना मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बना और मेरा यहाँ पे वाटर बना। अभी आप ये चेक करो कि क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस है, क्या मेरा यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस है,
ये चेक करो सर, इक्वेशन मेरा बैलेंस नहीं है तो क्या करूं मैं, इक्वेशन बैलेंस करूंगा राइट, टू एच टू से टू मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है ना, तो हाइड्रोजन चार हो गया। अब देख दो अब प्रॉब्लम में आएगी, और टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू, हाँ ऑक्सीजन से टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो अभी आप, अब देखो अभी आप ये देख, अब देखो अभी आप ये देख रहे हो कि अगर ये देखो ये आपका जो मिथेन है यहाँ पे नंबर क्या है, यहाँ पे वन है, तो इसको ये आपका वन मोल है, ये आपका वन मोल है, ये आपका वन मोल है। अब बोला है अगर आप वन मोल मिथेन ले रहे हो तो कितना कितना जल रहा बच्चों आपको वहाँ पे, टू मोल लग रहा है आपको, वन मोल मिथेन जलने के लिए आपको टू मोल ऑक्सीजन लग रहा है। क्वेश्चन में कितना दिया है, चार ग्राम, अभी आपका चार, अभी आपको चार ग्राम ऐसे क्या, इसका आप नंबर मोल निकालो, इसका आप नंबर मोल निकालो, नंबर मोल से मिथेन कितना आएगा, फोर डिवाइड बाई मिथेन मास कितना होता है बच्चों, आप बोलोगे सोलह है ना, बारह प्लस चार, तो देखो आपके और बच्चों फोर डिवाइड बाई सिक्सटीन, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा 0.25 मोल, इतना इतना मोल आपके पास है। अब देखो मुझे वन मोल के लिए टू मोल चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे 0.25, अगर मैं यहाँ पे 0.25 मोल लेता हूँ तो मुझे कितना मोल चाहिए होगा, यहाँ पर कितना मोल चाहिए होगा बताओ, अरे मल्टीप्लाई करो ना कितना आएगा, 0.25 इंटू टू करो कितना आएगा, 0.5 यहाँ पे बोलोगे ये आएगा 0.5, ये आपका 0.5 मोल आएगा आपको, क्या आपको किस में निकाला बच्चा, ऊपर निकाला ग्राम में, आपको निकाला ग्राम में। अब देखो वन मोल ऑक्सीजन में कितना ग्राम होगा, आप ये बोलोगे वन मोल ऑक्सीजन में कितना ग्राम आएगा, कितना ग्राम आएगा बताओ जरा, 32 कितना आएगा, कितना आएगा 32 ग्राम आएगा, हाँ है ना, यस सर, यस 32 ग्राम, तो वन मोल में 32 ग्राम आएगा, वन मोल में 32 ग्राम ऑक्सीजन आएगा, तो आपका 0.5 में कितना आएगा, आप बोलोगे 16, आप बोलोगे 16 प्रश्न आएगा ना, तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन ए। अब बी कैसा बच्चों, ये कैसा, ये आपका इजीली क्वेश्चन, और ये मैंने बच्चों आपको मैंने क्वेश्चन कराया था, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे जे में, जे में आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। और मैंने आपको ये बोला था मेरा एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या था बच्चों, आप बोलोगे सी एक्स एच वाई प्लस क्या था बच्चों, एक्स प्लस वाई बाई फोर ओ टू गिव्स, फॉर्मूला क्या था बोलो बच्चों क्या आएगा, एक्स सी ओ टू प्लस वाई बाई टू एच टू, सारे बच्चे भूल के फॉर्मूला, ये क्या बच्चों, ये आपका हाइड्रोकार्बन जो जलाते हैं ये उसका जनरल फॉर्मूला है, ये उसका जनरल फॉर्मूला है, सी एक्स एच वाई प्लस एक्स प्लस वाई बाई फोर ओ टू गिव्स एक्स सी ओ टू प्लस वाई बाई टू एच टू, मैं क्या बोलता बच्चों इसको आपको याद करना ही है, ऐसे क्वेश्चन जेई में आता है, देखो ये क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, ये आपका जेई का थर्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जेई में आएगा, सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाना आप कर लोगे आंसर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आ जाएगा। ये आपका y by 2 है, y by 2 is 2 सर, उससे आगे XCO2 X सर उससे भी आगे, अरे भाई x plus y by 4O2 ये मैंने पहले करवाया था, अभी आप पूछ रहे हो कैसे चलेगा, इससे कराया था, इससे कराया तो मैं। अब देखो ये जो आपका 20 क्वेश्चन बच्चे, ये भी कैसा, ये भी आपका मोल, ये भी आपका मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो खाली आप दो बच्चा, खाली आपको ना बच्चे का ना आपको ना फॉर्म लगाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, उसी बच्चा फॉर्म लगाना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो जिसे आप लिखा है ये वाला पार्ट 20 क्वेश्चन देखो बच्चा, तो देखो क्या लिखा है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 लीटर्स प्रोपेन, अब प्रोपेन फॉर्मूला क्या होता बच्चों, क्या होता प्रोपेन फॉर्मूला, आप बोलोगे CH3 CH2 CH2, अब मैं ये जान से अभी मैं मान सकता हूँ कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओ, क्यों, बिकॉज आपने ऑर्गेनिक पढ़ा नहीं है,
ट्राई कर सकती हो, लेकिन ट्राई कर सकती हो प्रोफाइल बोला। अब देखो अगर मैं CH3, अब देखो कार्बन कितने बच्चों, कार्बन तीन है और हाइड्रोजन आपके पास 8, तो फॉर्मूला क्या ऐसा बना बच्चों, दैट इज C3H8, ये बना। अभी क्या बोला, अभी बोला है कंप्लीट कंबशन, मतलब जला रहे हैं, प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O, है ना, सिंपल सी बात है, ये आप कैसे होगा। अब देखो क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस है, मेरा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, आपको आपको ये इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगेन बोल रहा, देखो अगर से मल्टीप्लाई, अब देखो अगर आप ना कोई भी हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हो तो आपका ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ही बनेगा। देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, तो आप 8 हाइड्रोजन है, क्लियर हो चुका है, तो मैं यहाँ पे 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 8H2O, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखो बच्चों ऑक्सीजन कितना है, अब देखो ये चेक करो आपका ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे आपका 8 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा 5, तो 10 ऑक्सीजन हो गया। नहीं, कार्बन बैलेंस करना, कार्बन दो, यहाँ पे देखो कितना कार्बन है, 3 कार्बन है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे लिखो 3 कार्बन, यस सर, राइट। अब देखो 3 2 कितना होता है बच्चों, 3 2 6 होता है, 6 3 2 होता है 6, और 6% कितना होता है बच्चों, 6% कितना होता है, 6% होता है 14, यहाँ पे आपका 8, यहाँ पे आपका 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपका 8 ऑक्सीजन, कितना है बच्चों आगे, ये हो गया आपका 14, है ना। तो यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे करूँ 7 मल्टीप्लाई करूंगा, अब मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया, अभी मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया, हाँ या ना, यस होगा, अरे बच्चों हो ही नहीं होगा, यस सर, ओके, यस सर, अरे होगा ही नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है, सो यस सर, यस सर। अब देखो अब निकालना क्या बच्चों, निकालना क्या है, देखो जरा क्या निकालना है, क्या निकालना है बोलो बच्चों, क्या निकालना है अभी, कंप्लीट कंबशन, नहीं नहीं अभी निकालना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, वो ऑक्सीजन निकालना है। अब देखो अभी आप ये बोल सकते हो, हाँ अभी आप ये बोल सकते हो, देखो यहाँ पे कितना मोल बच्चों, यहाँ पे कितना मोल है, 1 मोल है ना। अब 1, अब देखो 1 मोल ऑफ गैस कितना ऑक्यूपाई करता है बच्चों, आपका 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, आप बोलोगे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है कि नहीं, यहाँ पे कितना दिया बच्चों, यहाँ दिया है 20, तो यहाँ पे लिखा 20 लीटर दिया है, तो करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब आप बच्चों क्रॉस करोगे आपका आंसर आ जाएगा, तब आपका बच्चा आंसर आ जाएगा। तो बेसिक बच्चों आपको ना इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए, अगर आप इक्वेशन बैलेंस करोगे बच्चों तभी आपका आंसर आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर, यस सर, ओके। कैसे करेंगे बच्चों, चेक करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चा, ट्राई करो आंसर, कितना आंसर आएगा बच्चों, कितना आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए, देखो 1 मोल कितना है, तो 7 मोल कितना होगा, 7 × 22.7, तो क्या हुआ इतना होगा, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना यहाँ पे आएगा 140 लीटर के आसपास आएगा, तो आपको 140 आपका राइट आंसर आएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ऐसे करना है आपको, 1 मोल में 22.4 लीटर है, तो 7 में कितना होगा बच्चों, 7 कितना होगा, तो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है 20 लीटर, तो 20 लीटर में कितना आएगा, ऐसे क्या होगा, सिंपल, समझ में आ रहा है, ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, तो ये सब कैसे बच्चों, ये सारा आपका मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आप जितना आपका है ना मोर कौन सा क्वेश्चन करोगे आपको उतना आएगा। अब देखो मैं मानता हूं कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हाँ 26 वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है, ऐसे क्वेश्चन भी आते नहीं है, लेकिन फिर भी करना है। अब देखो
27 क्वेश्चन देखो बच्चा क्या लिखा है, द सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम हैज दिस मच ग्राम एल्यूमिनियम। अब देखो अब क्या है बच्चों, इसका निकालो नंबर मोल्स, इसका नंबर मोल्स निकालो, कितना बोल रहा है 54 डिवाइड बाय 27 कितना आएगा बच्चों, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम निकल कितना आएगा बच्चों 54 डिवाइड बाय 27। ये क्या बच्चों एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, कितना मोल आया बच्चों, यह आया आपका 2 मोल, कितना बच्चों यह आया आपका 2 मोल, आपके पास है, आपके पास है 2 मोल अमोनिया एल्यूमिनियम है ना। Yes, sir. तो अब देखो अगर अभी क्या बोलो बच्चों सेम मास, तो मास लेके चेस आपका नंबर मोल्स भी सेम होना चाहिए, तो अगर आपका इसका नंबर मोल्स 2 है तो मैग्नीशियम नंबर मोल्स कितना आएगा बच्चों, ये भी 2 आएगा, तो अब क्या करोगे, तो देखो आप ये बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि आपका 1 मोल में, आपका 1 मोल में कितना आएगा बच्चों, आपका आपका आएगा 24 ग्राम मैग्नीशियम आएगा, 24 ग्राम यहां पे मैग्नीशियम आएगा, तो 2 मोल में कितना आएगा, कितना है 2 मोल में, आप बोलोगे 48 ग्राम, 48 हां, इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर आएगा 48, इसका है 48 आएगा। देखो क्यों ऐसे बोलो बच्चों, व्हिच हैज व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर, अभी नंबर सेम बोला है, अब नंबर सेम कब होगा बच्चों, आपका नंबर सेम कब होगा, जब आपका मोल सेम होगा है ना, आपका नंबर ऑफ एटम कब सेम होगा, जब आपका नंबर मोल सेम होगा, अगर मैग्नीशियम अगर आपका एल्यूमिनियम का 2 मोल है, अगर आपका एल्यूमिनियम का 2 मोल है तो मैग्नीशियम को 2 मोल होगा ना, तभी तो क्या होगा, तभी तो आपका सेम नंबर ऑफ एटम्स होगा, तभी आपका सेम नंबर ऑफ एटम होगा, हाँ या ना। यस सर, यस सर, हमने एल्यूमिनियम मोल निकाला उसका आंसर है 2। अब बोला क्या बच्चों, अब बोला ये है, बोला ये, बोला ये किस मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ एटम्स कब होगा, जब मोल सेम होगा, अगर एल्यूमिनियम का 2 मोल है तो मैग्नीशियम का 2 मोल होगा। अब देखो आपका 1 मोल में मैग्नीशियम कितना ग्राम आएगा, आप बोलोगे 24 ग्राम आएगा, आप बोलोगे 24 ग्राम आएगा, तो 2 मोल में कितना मास आएगा, आप बोलोगे 2 × 2 = 48, आप बोलोगे 48 ग्राम मैग्नीशियम होगा, सिंपल आपका आंसर है 48 आपका आंसर आएगा, सिंपल आया ना। yes, yes. समझ मारे बच्चों, हाँ या ना, समझ मारे अच्छे से, ऐसे आपको करना है। अब देखो ये 30 क्वेश्चन देखो बच्चों, अभी आपका 30 क्वेश्चन देखो, हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसे तो छोटा कर लेते हैं, अब देखो अब बोला है हाउ मेनी मोल्स This, अब बोला है हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस कैन बी मेड फ्रॉम द 2 मोल जिंक 3 मोल आयरन एंड 5 मोल सल्फर। अब बोला क्या बच्चों, बोला क्या, बोला ये गया आपको, बोला क्या है 2 मोल आपके पास, क्या 2 मोल आपके पास जिंक है, 5 मोल आपके पास आयरन है, और 5 मोल आपके पास क्या है, 5 आपके पास सल्फर है, राइट है ना, ये वाला पार्ट है। अब देखो अगर अगर मैं इस फॉर्मूला की बात करूं, सॉरी यहां पे 3 है, हां यहां पे 3 आएगा, 3 मोल आयरन, हां एकदम सही बोला, हां यस। अब देखो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, दैट इज Zn FeS2 होल, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें कितना मोल एटम एटम बच्चों, आप बोलोगे इसमें आपका बोलोगे 1 मोल एटम है, 1 मोल आपका जिंक है, बिकॉज़ एक ही है आपका 1 मोल, क्या बच्चों आपका 1 मोल आपका आयरन है, आपका रूम आयरन है, और आपका क्या बच्चों आपका वहां पे 2 मोल, क्या बच्चों 2 मोल आपके पास सल्फर है, 2 मोल सल्फर है। अब देखो इन सब में से, इनमें से सबसे कम क्या है बच्चों, सबसे कम क्या होगा, आप बोलोगे जिंक कितना बच्चों, जिंक कितना है 2 मोल है, तो अगर आपका जिंक 2 मोल होगा तो बाकी सब क्या बच्चों, वो भी आपका 2 होगा। अब देखो जब यहां पे जिंक, जब जिंक आपका 1 मोल था तो आयरन 1 मोल था और सल्फर 2 मोल था, आप क्या बच्चों क्या मैंने, अब मैंने यहां पे जिंक को 2 मोल कर दिया, तो आयरन कितना बच्चों होगा, आयरन भी 2 मोल होगा और आपका सल्फर होगा 4 मोल, है ना, राइट। तो देखो लेकिन क्वेश्चन में दिया, आपको क्वेश्चन में दिया है 3 मोल आयरन और बोला आपका, अब बोला 5 मोल सल्फर,
तो क्या बच्चों आपका, आप बोलोगे आपका एक्स्ट्रा वन मोल एक्स्ट्रा होगा और आपका वन मोल असल एक्स्ट्रा होगा. आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे वन मोल आयरन आपका एक्स्ट्रा होगा और आपका वन मोल सल्फर क्या होगा बच्चों, ये आपका एक्स्ट्रा होगा. क्यों बच्चों, हमें चाहिए चार चाहिए. देखना दिया पांच दिया गया, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, कितने मोल आ गए बच्चों, आप बोलोगे अगर मिस हो गया आपका आंसर है टू. आप करोगे आप यहाँ पे टू मोल कर पाओ, क्यों बिकॉज ये आपका टू से मल्टीप्लाई किया आपने, तो अभी खाली आप यहाँ पे टू मोल ही बना पाओगे. जो सबसे कम है हमें उसको लेकर खाना बनाना पड़ता है. अब सिंपल सी बात है, क्लास में अगर जो बच्चे को कम समझ में आता है हमें क्लास को उसके हिसाब से लेना पड़ता है ना, कि जो कम भी समझे और ज्यादा भी समझे. हाया ना, ऑब्वियसली बात है ना. yes, yes, अगर मैं आपको ये बोलूं आपकी मॉम खाना बना रही है, चावल कम है, तो चावल जितना कम होगा आप मॉम उसी हिसाब से खाना बनाएंगी. ऐसा कभी नहीं होगा कि मॉम 10 किलो दाल बना देगी और एक आधा किलो चावल होगा, ऐसा कभी नहीं होगा. क्यों, दाल एक्स्ट्रा क्या होगा, वो एक्स्ट्रा हो गया ना, जो कम होता है आपको उसको फिर लेना पड़ता है. yes, sir. तो इनमें सबसे कम क्या बच्चों, इनमें सबसे कम क्या, इनमें सबसे कम है आपका जिंक है. तो यहाँ पे आपका सबसे कम जिंक है, तो जिंक का जितना मोल होगा आपके कंपाउंड उतना मोल ही होगा. देखो बच्चों हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमने प्रॉपरली कर लिया, सारे क्वेश्चन हमने प्रॉपरली कर लिया. yes, sir. अब देखो, और देखो ये क्वेश्चन बस, देखो हाइड्रोकार्बन कितना परसेंटेज है. अब देखो क्या बोला गया बच्चों, यहाँ बोला गया 70% कार्बन है, अब बोला यहाँ पे 75% कार्बन है. तो फॉर्मूला में देखो बच्चों, ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में चेक करो. देखो ये देखो कार्बन कितना इसमें, अब देखो ये ऑप्शन चेक करो बच्चों, कार्बन आपका 12 ग्राम और हाइड्रोजन आपका 4 ग्राम है. yes. कितना होगा बच्चों, ये हो गया 16 ग्राम हो गया टोटल. अभी निकालो निकालो परसेंट कार्बन, परसेंटेज का कितना है बच्चों आएगा, आप बोलोगे 12 डिवाइड बाय 16 इनटू 100. चेक करो बच्चों क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 75, आपका 75 आएगा. तो आप बोलोगे ऑप्शन डी आएगा. अब देखो अगर आप ना ए बी और सी चेक करोगे, आपका आपका कार्बन का 75 नहीं आने वाला. yes. तो जब भी आपका ऐसा बोले मेरे फॉर्म, तो आपके बच्चों आप ना बैड ऑप्शन में चेक करो और निकालो किसमें 75 आ रहा है, बस आपका आंसर आ जाएगा. yes, sir. Yes, sir. तो देखो आपने आज सीखा क्या बच्चों, हाँ ये जो आपका 10th क्वेश्चन बच्चों, ये भी एक कैसा, ये भी आपका ये बेस्ट है, तो ये आप कर लोगे आराम से, मैंने आपको भेजा है. तो कहने की बात के बच्चों आज हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि आपको जितना आता है उतना करोगे, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करोगे, जितना आता उतना करो, स्टार्टिंग में उतना करो. देखो बच्चों क्या बोल रहा हूँ, आप सब बच्चे को 300 में 300 लेने आना है. अगर आप ना 100 150 लेगा बच्चा आपका एनआईटी, आपको एनआईटी आईटी मिल जाएगा, आप समझो ये बात को. आपको हर एक पार्ट नहीं करना है, जितना उतना करो. अब देखो ये सेम कुछ दो. yes, अगर मैं अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, पहले जो इसकी बात करूँ, मैक्सिमम नंबर एटम्स, सेम क्वेश्चन, ये क्या पूछा, ये पूछा आपका एवरेज, या आपका एवरेज एटॉमिक मास यूज करना है. yes. ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा बच्चों, ये पूछा गया आपका लिमिटिंग रीजन से पूछा है. yes. ये क्वेश्चन कहाँ से, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका मोल से, मास अपॉन एटॉमिक मास. ये क्वेश्चन क्वेश्चन बच्चों, ये भी ये क्वेश्चन आपका है लिमिटिंग रीजन से. ये पूछा आपका, ये पूछा गया आपका इंपीरियल फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया. ये क्वेश्चन पूछा गया लिमिट रीजन से. ये पूछा गया नंबर ऑफ मोल से पूछा गया. ये भी आपका नंबर ऑफ मोल से पूछा, लेकिन ये कैसा, ये आपका ट्रिक क्वेश्चन है. लेकिन ये ट्रिक क्वेश्चन है. 41 बच्चों कैसा है, ये भी आपका ट्रिक क्वेश्चन है, ये भी आपका ट्रिक क्वेश्चन है. तो टाइम लगेगा, हाँ इनिशियल नहीं आएगा पर टाइम लगेगा. 42 क्वेश्चन, ये कैसा बच्चों, ये आपका लिमिटेड क्वेश्चन है, ये आपका लिमिटिंग रीजन क्वेश्चन है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका ये भी आपका ट्रिक है, ये भी ट्रिक क्वेश्चन है. लेकिन हाँ सिंपल है, सिंपल पर ट्रिक है. ये क्वेश्चन आपका इजी है, ये क्वेश्चन आपका इजी है, और आपका ये क्वेश्चन आपका ट्रिक वाला क्वेश्चन है. अभी जितने भी ट्रिक वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको आंसर भेज दूंगा उसका.
तो देखो तो आपने बच्चा आपने सीखा क्या बच्चों, आज हमने आज आप ये बोलोगे आज हमने पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जो आपका इजी है बच्चों, आप इजी वाले करो। आप देखो केमिस्ट्री से 30 मार्क्स लेके आए, मैथ्स से 20 मार्क्स लेके आए, फिजिक्स से 40 मार्क्स लेके आए, आपका 100 प्लस चला गया, बस खत्म कर दो, एक्स्ट्रा मत करो, ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। ओके बच्चों, तो बच्चा हम यहाँ पे क्लास ठीक है इतने पार्ट है एंड कल हम ना सेकेंड चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके चलो बाय बच्चों, मैं बाय सर, गुड नाइट सर, टेक केयर। Yeah.